नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज आपके लिए बहुत बढ़िया रिक्रूटमेंट अपडेट लेकर आया हूँ जो कि नेवी की तरफ से निकल के आ चुकी है। जी दोस्तों, लेटेस्ट रिक्रूटमेंट है और इसमें 3900 प्लस वैकेंसीज आउट करी गई है, जिसमें 10th 12th ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, वो पूरी जानकारी मैं आज इस वीडियो में आपको देने ही वाला हूँ। सो वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ के साथ बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, जिससे आपको हर एक नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में मिलता रहेगा और समय रहते आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। वैकेंसीज की बात करूं तो और बहुत सारी वैकेंसीज हैं जिनको आउट कर दिया गया है, जिसके लिए आप जाके हमारी वेबसाइट जो कि www.clori.com पे जाके चेक करके अप्लाई कर सकते हैं। जिसके लिए सिंपली आपको गूगल में क्लोरी लिखेंगे तो फर्स्ट नंबर पे आपको मिल जाएगा, वहां से सारे ही जॉब रिलेटेड अपडेट्स आप ले पाएंगे और चेक करके अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं रिक्रूटमेंट अपडेट के ऊपर और वहीं पर चल के बाकी की इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जो कि लेटेस्ट रिक्रूटमेंट अपडेट है और होने वाला है और आपके लिए बहुत ही अच्छा ये नोटिफिकेशन है। उसका रीजन बिहाइंड कि इसमें 10th वाले कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। तो चलिए चलते हैं रिक्रूटमेंट अपडेट के ऊपर और वहीं पे चल के बाकी की इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करता हूं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है ये मर्चेंट नेवी के अंदर आउट किया गया है, जिसके अंदर ऑल इंडिया आप कहीं से भी हैं, मतलब किसी भी सिटी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे और यहाँ पे आपकी सैलरी 56,000 प्लस रहने वाली है। अलग अलग वैकेंसीज वाइज यहाँ पे जो आपकी सैलरी है वो रहेगी, पोस्ट वाइज भी आगे मैं आपको बताने ही वाला हूँ कि कौन कौन सी वैकेंसी है जिसके लिए आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो चलिए आगे चलते हैं इसके अंदर। यहाँ पे सबसे पहली जो वैकेंसी आउट की गई है वो है जनरल सर्विसेज की, 50 पोस्ट यहाँ पे जो है वो आउट हुई हैं और इसके अंदर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ATC की वैकेंसीज हैं, जिसके अंदर अगर मैं बात करूँ 8 वैकेंसीज आउट करी गई हैं। उसके बाद है नेक्स्ट, अगर बात करूँ यहाँ पे नेवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर की वैकेंसीज हैं, 18 वैकेंसीज यहाँ पे जो है वो आउट करी गई हैं। यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ बात करूँ तो डेक रेटिंग की वैकेंसी है, जिसके लिए 50,000 से लेकर 85,000 तक आपकी सैलरी रहने वाली है। 12th एंड ग्रेजुएट पास कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई इसके लिए कर पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इंजन रेटिंग की, 40 से लेके 60,000 तक सैलरी आपकी रहने वाली है और यहाँ पे आपको 10th पास कैंडिडेट हैं तो इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। सीमेन की वैकेंसीज हैं, 38,000 से आपकी जो है स्टार्टिंग हो जाएगी यहाँ पे और सैलरी जो है 55,000 तक रहेगी। 10th पास कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसीज हैं, जिसके लिए 50,000 से लेकर 85,000 तक आपकी सैलरी रहने वाली है और 10th पास प्लस ITI वाले कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर यहाँ पे मैं बात करूँ वेल्डर हेल्पर की वैकेंसीज हैं और इसके लिए 60,000 से लेकर 90,000 तक आपकी सैलरी जो है वो रहने वाली है और इसमें 10th पास प्लस ITI वाले कैंडिडेट जो हैं वो एलिजिबल हैं और अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बात करूँ तो वेल्डर हेल्पर की साथ साथ मेस बॉय की हैं, 40,000 से लेके 60,000 तक के जो है सैलरी आपकी रहेगी और यहाँ पे 10th पास कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल हैं और यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट की बात करूँ तो कुक की वैकेंसी है, 40,000 स्टार्टिंग सैलरी है आपकी, 60,000 तक रहेगी और यहाँ पे 10th पास कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल रहने वाले हैं, इसके लिए अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। और इसके लिए एप्लीकेशन जो मोड रहने वाला है वो ऑनलाइन रहने वाला है, सिर्फ आपको ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई करना है, कोई भी अदर मोड यहाँ पे अप्लाई करने का वो नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट अगर यहाँ पे मैं बात करूँ सिलेक्शन प्रोसेस की तो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के हैं। उसके बाद है यहाँ पे साइंस नॉलेज के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के यहाँ पे रहने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इंग्लिश नॉलेज की वैकेंसीज के लिए आपकी जो है यहाँ पे वो रहने वाले हैं 25 क्वेश्चन। एप्टीट्यूड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के रहेंगे, टोटल 100 मार्क्स का रहेगा, 2 आवर का टाइम आपको यहाँ पे वो दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इन वैकेंसीज के लिए तो यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, जैसे मैंने आपको बताया, और इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज में रहेंगे ये। उसके बाद नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करूँ तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे कोई नहीं होने वाली है आपकी और एग्जामिनेशन सेंटर आप अपने अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं कहाँ पे आप रखना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए लिंक और PDF दोनों के लिंक मिल जाते हैं, आप चेक करके इसके लिए अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिए हैं, आप चेक करके अप्लाई कर लीजिएगा। फिर भी आपको किसी तरह का कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें बता ही सकते हैं, मैं आपके लिए सभी तरह की लेटेस्ट रिक्रूटमेंट अपडेट्स जो है वो लेकर आता ही रहूँगा। सो ये आज का नोटिफिकेशन है, अब मैं आपको मिलूँगा नए नोटिफिकेशन के साथ नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद जी।